तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, एफ ब्लॉक के तत्वों के रंगीन गुण, कलर नेचर ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे आपने डी ब्लॉक में देखा था कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके आयंस या उनके जो यौगिक हैं वो दृश्य प्रकाश में विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करते हैं, और उसका रीजन भी देखा था आपने कि डी ब्लॉक के तत्वों में डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ठीक इसी तरह का जो रंगीन गुण है वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स मीन्स एफ ब्लॉक के तत्वों में भी दिखता है। मीन्स इनके जो आयंस हैं, इनके जो यौगिक हैं, वो विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करते हैं अपनी ठोस अवस्था में या फिर विलयन में। समझ गए ना, यही लिखा है कि लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में बहुत से आयन एवं इनके यौगिक ठोस अवस्था या विलयन में रंगीन होते हैं, और यह गुण इनमें एफ एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण पाया जाता है। मतलब जिस तरह से डी ब्लॉक में देखा था कि लिगेंड के इफेक्ट से डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए थे, और उन स्प्लिट ऑर्बिटल्स के बीच में दृश्य प्रकाश की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है और फिर एक पूरक रंग उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनमें भी लिगेंड के इफेक्ट से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, और जब स्प्लिटिंग हो जाती है तो इन एफ ऑर्बिटल जो स्प्लिट ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो इसे ही बोला गया है एफ एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और ये जो है इसी ट्रांजिशन के कारण ही रंगीन गुण दिखाई देता है एफ ब्लॉक में, और ये गुण उनमें मिलेगा जिनमें एफ कक्षक आंशिक पूरित है। मतलब डी जीरो और डी सॉरी एफ जीरो और एफ 14 को छोड़कर बाकी में ज्यादातर जो है जो आंशिक पूरित कक्षक हैं एफ के उनमें ये रंग पाया जाता है। लैंथेनाइड तत्वों में 4F कक्षक परमाणु में काफी अंदर होती है, ठीक है, यहां पर काफी है। मतलब ये होता है कि जो एफ ऑर्बिटल है 4F वो नाभिक के काफी नजदीक है और बाहर से काफी अंदर घुसी हुई है। ऐसे में जब हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल जैसे स्प्लिट होती है लिगेंड के इफेक्ट से, ठीक इसी तरह से एफ कक्षक भी स्प्लिट होते हैं बाहर के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण से मीन्स लिगेंड के प्रभाव से। तो लिखा है कि लैंथेनॉइड तत्वों में 4F कक्षक परमाणु में काफी अंदर है, डीप पेनिट्रेट है और आसानी से बाह्य इलेक्ट्रॉनिक वातावरण से प्रभावित नहीं होते। मतलब जैसे डी कक्षक थी वो एन माइनस वन थी इसलिए जल्दी प्रभावित हो जाती है, लेकिन यहां देखो आप कि जो एफ कक्षक है वो एन माइनस टू है। मतलब बाहर की sp और अंदर की d, फिर और अंदर जाएंगे तब जाके एफ कक्षक प्रभावित होते हैं। तो 4F काफी अंदर है जिससे एफ कक्षक का विपाटन उच्च कोटि का नहीं होता 4F में, और बहुत से लैंथेनाइड आंशिक पूरित होने के बाद भी रंगहीन होते हैं बच्चों। मतलब एफ कक्षक में ये रूल है कि हमने पढ़ा था कि d1 से d9 तक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो संकुल या आयन रंगीन होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम एफ की बात करें तो एफ अगर आंशिक पूरित है तो वो रंगीन होगा, लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारे लैंथेनाइड्स आंशिक पूरित होने के बाद भी रंगहीन है। मतलब एफ जीरो एफ 14 के अलावा अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो रंगीन होना चाहिए था, तो बहुत सारे लैंथेनाइड्स में ये गुण नहीं। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि एफ कक्षा काफी अंदर है और वो लिगेंड से ज्यादा प्रभावित नहीं होता जिससे उसका विपाटन ज्यादा अच्छा नहीं होता या होता ही नहीं है, और यही कारण है कि लैंथेनॉइड तत्वों में एफ कक्षा आंशिक पूरित होने के बाद भी कुछ रंगहीन है। जबकि एक्टिनाइड्स की बात करें तो लगभग सभी जो आंशिक पूरित एफ कक्षक वाले हैं एक्टिनाइड्स वो लगभग सभी कलर्ड है। कारण क्या है बच्चों कि 5F कक्षक काफी बड़ा कक्षक है, काफी विस्तृत, मतलब विस्तृत का मतलब है कि काफी फैला हुआ कक्षक है जो बाहर तक फैला हुआ है।
ठीक है, और बाह्य परिधि की ओर आ जाता है, फैलकर इतना फैलता है कि बाहर के जो कोष हैं अंतिम कोष वहां तक फैल जाता है। ऐसे में क्या होगा कि बाह्य कक्षक जो सॉरी एफ कक्षक है वो बाह्य वातावरण से जल्दी प्रभावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा फैला हुआ है, बाहर की तरफ है, पेरिफेरल है, और यही कारण है कि 5F कक्षक बाह्य वातावरण से इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट से लिगेंड से ज्यादा प्रभावित होता है और वो जल्दी विपाटित हो जाता है, जिससे अधिकतम एक्टिनाइट रंगीन होते हैं, क्योंकि 5 जो F कक्षक है, समझिए ना बच्चों, 5F कक्षक उच्च कोटि का विपाटन दर्शाता है। समझ गए ना कि जो 5F कक्षक है वो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, और ज्यादातर जो लैंथेनाइड्स हैं अधिकतम सॉरी एक्टिनाइड्स वो रंगीन है, कलर्ड। यहां तक बात क्लियर है? अब यहां पर आ जाएं, लैंथेनाइड्स हो या एक्टिनाइड, जिनमें एफ एन तथा F14-N विन्यास होता है, उनके रंग समान होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होगी, जहां N है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना कि अगर FN और F14-N विन्यास है दो लैंथेनॉइड्स का या दो एक्टिनॉइड्स का, तो उनके रंग समान होंगे, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बिल्कुल समान होते हैं। जैसे देखो F0 और F14 रंगहीन हो, जैसे सीरियम 4+, ल्यूटेशियम 3+, YB2+, लेकिन अगर आप यहां देखें Pr3+, F2 है और Tm3+, 14-2 मतलब 12, तो दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दो दो हैं, तो इनका रंग हरा होता है दोनों, है ना। नियोडाइबियम 3+ और इरबियम 3+, इसमें 3 इसमें 11, दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, तीन तीन, पिंक कलर का। ऐसे समेरियम 3+, डिस्पोसियम 3+, 5 अयुग्मित और F9, इनमें बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो पीला रंग होता है, दोनों का सेम है। ठीक इसी तरह से 6 और 8 में भी एक सा कलर होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, यही काम का है। एक तो यही क्वेश्चन आया है कि कौन ज्यादा कलर्ड है, कौन कम है, तो 4F मतलब लैंथेनॉइड्स आंशिक पूरित होने के बाद भी कलरलेस है बच्चों। कुछ रीजन है 4F ज्यादा लिगेंड से इफेक्टेड नहीं हो पाता, जिससे उसका सही ढंग से विपाटन नहीं होता। 5F कक्षक काफी विस्तृत है, बाहर की तरफ है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण से इफेक्टेड जल्दी होता है, और इसी के कारण उसका विपाटन ज्यादा हो जाता है। अब हम आते हैं चुंबकीय गुण। तो देखो बच्चे, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों में एफ कक्षक के आंशिक पूरित होने पर अनुचुंबकीय, जबकि पूर्ण रिक्त एफ कक्षक या F14 अवस्था प्रतिचुंबकीय। मतलब जिस तरह से डी ब्लॉक में आपने देखा या किसी भी ग्रुप में देख लो आप, है ना, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय, और सारे पेयर्ड हैं तो प्रतिचुंबकीय। ऐसे याद रखना है, अयुग्मित, अनुचुंबकीय, पेयर्ड, प्रतिचुंबकीय। एफ कक्षक में भी इसी तरह से, एफ कक्षक में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय हो जाएगा, सारे पेयर्ड हैं तो प्रतिचुंबकीय होगा। अब आता है कि जो एफ ब्लॉक के तत्व तो है ना बच्चों, इनके चुंबकीय गुणों को निकालते हैं तो हम जानते हैं चुंबकीय गुण लेते हैं, तो डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, वहां केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण लिया गया, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन का केवल चक्रीय चुंबकीय आघूर्ण, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लिया गया है, वहां पर उनके कक्षक चुंबकीय आघूर्ण को नहीं लिया गया। यहां पर कक्षक चुंबकीय आघूर्ण को भी लिया गया, मतलब कुल चुंबकीय आघूर्ण जो इफेक्टिव प्रभावी, हम यहां क्या बोलेंगे, प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण जो है एफ ब्लॉक का, ठीक है, वो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण के सम के बराबर है, दोनों लिए गए बच्चों। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण तो वही फॉर्मूला लगता है, √4S(S+1) या √NN+2Dm, जहां N अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और S कहलाती है परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, चाहे इससे कर लो चाहे सेम रिजल्ट आएंगे। और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है √LL+1Dm, एस परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, S1, S2, S3 है, एल परिणामी कक्षक क्वांटम संख्या। ये जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, 4F1 लिखा है, तो एस की वैल्यू तो हो गई 1/2, क्योंकि एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है
और एल की जो एम एल की वैल्यू है, एम एल वन, तो वहां ये कक्षक जो है इनके ऊपर चुंबकीय जो क्वांटम संख्या होती है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसकी वैल्यू रखनी है। तो प्लस से लेनी हमेशा, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 1 से माइनस, तो ये और ले लेंगे। अब हमें एम एल की वैल्यू पता हो गई, मतलब यहां जो एल है, ठीक है, हम इसको क्या लिख देंगे, एल, तो एल इज इक्वल टू एम एल, एम एल मीन्स प्लस 3। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यू रखोगे, एस की वैल्यू और यहाँ एल की वैल्यू, सॉल्व किया तो ये आया 3.78 bm, जबकि अगर हम केवल चक्र चुंबकीय घूर्ण लेते तो 1.78 आता। तो इस तरह से जैसे जैसे युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, और ये धनात्मक वैल्यू बढ़ती जाएगी, इस तरह से प्लस 3, प्लस 2, प्लस 1, जब तक धनात्मक है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये बढ़ना शुरू होगा। फिर आप देख रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन एल की वैल्यू घटना शुरू होगी, इसलिए फिर घट जाएगा, फिर उल्टा, फिर यहां से स्टार्ट होगी पेयरिंग, तो फिर बढ़ना शुरू होगा, और फिर इस तरह से जो है ग्राफ आता है एफ ब्लॉक के तत्वों, लैंथेनाइड तत्वों में ये आसानी से तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्टिनाइड्स तत्वों की बात करें तो वहां पर उनका चुंबकीय आघूर्ण निकालना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उनमें 5f का ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो बाह्य वातावरण से प्रभावित हो जाती है, और वातावरण से प्रभावित होने पर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, इसके कारण जो है कई प्रकार की कपलिंग हो जाती है कक्षकों की, और वहां पर जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है वो एक्चुअली जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, उससे कहीं अलग आता है। तो वो बच्चे उसका अलग ही रिलेशन है, एल एस कपलिंग करके आता है, एल एस कपलिंग से एक कपलिंग क्वांटम नंबर जे निकाला जाता है, फिर जे के बेस पर निकाला जाता है चुंबकीय आघूर्ण। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं, अभी हम उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो मैंने यहां लिख दिया है कि एक्टिनाइड तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण बहुत अधिक जटिल होते हैं, क्योंकि 5f कक्षक बाह्य इलेक्ट्रॉनिक वातावरण से प्रभावित होती है, इससे उनकी एक कहलाता है ना चुंबकीय आघूर्ण का समन हो जाना, तो वो चीज नहीं हो पाती, तो हम उसके बारे में ज्यादा यहां नहीं बता पाएंगे। इतना ध्यान रखना है कि इनमें चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है और इनमें किसके कॉम्प्लिकेटेड है और किसके इजी। ओके, फिर हम अगला गुण आते हैं रासायनिक गुण। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड अत्यधिक क्रियाशील धातु है बच्चों, और क्षारी मृद धातुओं के समान आसानी से वातावरण से संक्षारित हो जाती है, मतलब इनके जो ज्यादातर रासायनिक गुण है ना लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के, वो क्षारीय मृद धातुओं से मिलते हैं, और मेनली कैल्सियम से, क्योंकि इनके अगर एफ कक्षक को छोड़ दें तो बाह्यतम कोष का विन्यास है NH2, जो कि किसका है, क्षारीय मृद धातुओं, इसीलिए उन्हीं के समान ये रासायनिक वातावरण में, सॉरी बाह्य वातावरण से प्रभावित होते हैं, रासायनिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं। अब आता है कि इतने क्रियाशील क्यों है, क्योंकि इनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो ऋणात्मक है, जैसे कि क्षारीय मृद धातुओं के अच्छे इलेक्ट्रॉन दाता है ये, और तीनों आयनन विभव का जो योग है वो काफी कम होता है, और ज्यादातर ये विभव का योग जो है वो क्षारीय मृद धातुओं के आयनन विभव के आसपास का है। तो इस तरह से दो रीजन है, इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक और तीनों आयनन विभव का योग काफी कम, लगभग क्षारीय मृद धातुओं के द्वितीय आयनन विभव के आसपास का होता है, जिससे ये एक अच्छे इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, और रासायनिक गुणों में जो है इस तरह से गुण दर्शाते हैं, और इन इनमें रासायनिक गुणों में समानता खूब होती है बच्चों। आपने देखा होगा कि जो एफ ब्लॉक है वो थर्ड बी में एक साथ एक खंड में रखा गया है, क्योंकि रासायनिक रूप से इतनी ज्यादा समानता है कि इनको अलग अलग अध्ययन करना आसान नहीं, क्योंकि इनकी जो तीनों ऑर्गेनिक ऊर्जाओं का योग है ना वो लगभग समान होता है, जिसके कारण ये सभी के सभी प्लस 3 आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। बस समझ गए ना, तो ये बहुत अधिक गुणों में समानता है इनकी, लगभग सभी एक सी संयोजकता प्लस 3 दर्शाते हैं। इसका रीजन है कि इनकी आयनन ऊर्जा लगभग समान है, जैसे हम LN मतलब लैंथेनाइड को लेके किसी भी तत्व का संकेत ना लेके हम एक पर्टिकुलर LN ले लें, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो 3+ के लैंथेनाइड ऑक्साइड बनते हैं, और ये सीरियम से ल्यूटेशियम तक सभी बनाते हैं, हैलोजन के साथ ट्राई हैलाइड्स बनेंगे, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स बनते हैं, कुछ हाइड्राइड इनके इंडस्ट्रीशियल भी होते हैं,
जो कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं। तो इस तरह से इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय है और इनकी क्षारीयता श्रेणी में घटती है। मतलब अगर आप लिथियम, ठीक है, सॉरी लिथियम क्या है, सीरियम हाइड्रोक्साइड से और हमें ल्यूटेशियम, ठीक है, इस तक चले तो क्षारीयता घटेगी। वैसे मैंने आपको ये लैंथेनॉइड में भी बताया है, लैंथेनॉइड संकोचन की कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा जिसके कारण क्षारीयता घटेगी। इन तत्वों के जो फ्लोराइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, ऑक्सीडेट हैं, जल में एबलीय है, जबकि नाइट्रेट, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट्स, समझिए ना, ये जल में पूर्ण विलीय। क्योंकि बड़े बड़े जो एनायन हो जाते हैं जब ना, तो ऐसे में जो विलेयता है वो जल योजन ऊर्जा पर डिपेंड करती है, और अगर जल योजन ऊर्जा कम हो गई तो जो है विलेयता कम हो जाती है। तो ये बड़े बड़े एनायन है इसलिए इनकी जल योजन ऊर्जा इनके कम होती है, जबकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फेट, एसीटेट, नाइट्रेट छोटे ऋणायन है, ऐसे में इनकी जल योजन ऊर्जा उच्च हो जाती है और ये ज्यादा घुलनशील होते। फिर आता है संकुल बनाने की प्रवृत्ति। तो देखो बच्चे, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी डी ब्लॉक के तत्वों के समान संकुल बनाते हैं, लेकिन इनमें उतने अच्छे संकुल नहीं बनते, उतनी प्रवृत्ति नहीं है। तो संकुल बनने के लिए घनायन छोटा, रिक्त कक्षक, उच्च आवेश घनत्व, ये सब चाहिए। क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड काफी बड़े बड़े घनायन है जिसके कारण इनमें निम्न धनावेश होता है। दूसरा है कि इनमें एफ कक्षक काफी अंदर घुसे हैं जिनमें आसानी से लिगेंड नहीं पहुंचते, तो ऐसे में इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम। लैंथेनॉइड की अपेक्षा एक्टिनॉइड में संकुल निर्माण प्रवृत्ति अधिक है बच्चों। क्यों? क्योंकि उनमें 5F कक्षक बाहर की तरफ है और इस तरह से NSN-1D, ठीक है, और N-2F कक्षकों की ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा डी के साथ अपने एफ कक्षक का भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण ही इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 7 से लेकर 12 तक पहुंच जाती है। 6 तक तो रहेगी मिनिमम। तो यहां पर इस तरह से हम ये कहें कि 6, 7 से लेकर और ऐसे 12 तक पहुंचती है, तो 6 से ऊपर गई तो ये अपने एफ कक्षक का भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ये मुख्यतः कीलेट लिगेंड जैसे EDTA, EN, साइट्रिक एसिड, बीटा कीटोन आदि के साथ संकुल बनाते हैं। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति परमाणु आकार संकुचन से बढ़ती है, जितना छोटा धनायन उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन ग्राही और उतना ही संकुल निर्माण का जो प्रवृत्ति बढ़ेगी और स्थायित्व भी बढ़ता है। जैसे सैरिक अमोनियम नाइट्रेट एक संकुल है जो लैब में एल्कोहलिक ग्रुप की पहचान करने में किया जाता है ना, ऐसे एसिटाइल एसिटोनेटो के साथ संकुल है। तो यहाँ 6-6 कोऑर्डिनेशन। अब दोनों में समानता की बात करें तो दोनों श्रेणी के अंतिम 3 जो कोश हैं वो अपूर्ण हैं, N-2, N-1 और N, ये कक्षक अपूर्ण होते हैं। दोनों श्रेणियों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। दोनों श्रेणियों में अधिक, ठीक है, तत्व तो अत्यधिक क्रियाशील हैं, बिल्कुल सारी मृद धातुओं के समान। दोनों श्रेणियों परमाणु आकार में संकुचन मिलता है जिसे हम लैंथेनॉइड संकुचन, एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं। दोनों श्रेणियों के नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट, एसीटेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड जल में घुलनशील है, जबकि हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट आदि जल में अघुलनशील। ये अपन ने पहले पढ़ लिया। दोनों में भिन्नता देखो बच्चों, इन तत्वों में केवल PM रेडियो एक्टिव है और एक कृत्रिम तत्व भी है। लैंथेनॉइड में केवल एक तत्व रेडियो एक्टिव और एक ही कृत्रिम है। इसमें सभी रेडियो एक्टिव है और यूरेनियम के बाद सारे के सारे कृत्रिम है बच्चों, तत्व निर्मित किए गए। इनकी +3 ऑक्सीजन अवस्था के अलावा +2 और +4 ऑक्सीजन अवस्थाएं भी पाई जाती है। अपने देखा था कि अगर 2 या 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर अर्ध पूरित, पूर्ण पूरित या रिक्त एफ कक्षक है तो ये बन जाता है। इनमें +3 के अलावा +2 से लेकर 7 तक मिलती है, क्योंकि ये तत्व इनके एफ जो कक्षक हैं, डी कक्षक हैं, एंड में इनमें कम ऊर्जा अंतराल, इसलिए आसानी से अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूज कर देते हैं। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते, ये ऑक्सो आयन बनाते हैं इस तरह के जो आयन लिखे हुए ऑक्सीजन के साथ। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय है, ये ज्यादा छोटे कैटायन है, लैंथेनॉइड कहते हैं, एक्टिनॉइड की अपेक्षा कम छोटे आकार के होते हैं, जबकि ये बड़े बड़े कैटायंस हैं और यही कारण है कि ये ज्यादा क्षारीय होते हैं इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति इनमें कम है क्योंकि एफ कक्षक काफी अंदर है, 4F कक्षक इनमें ज्यादा है क्योंकि 5F कक्षक काफी विसरित है, बाहर जल्दी प्रभावित हो जाता है। चुंबकीय गुणों को आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं लेकिन इनके बहुत ही जटिल हैं,
और अधिकतर लैंथेनाइड रंगहीन है और ये अधिकतर रंगीन है। ये चीजें तो आपने पहले ही देखी। फिर आते हैं एप्लीकेशन के बारे में बच्चों। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एक मिश्र धातु होती है मिस मेटल। क्या मिस मेटल, जिसमें सीरियम और नियोडाइमियम मतलब लैंथेनाइड्स 95% तक होते हैं, बाकी आयरन 5% और अगर कुछ बचता है तो ये ट्रेस में ये एलिमेंट कार्बन सल्फर सिलिकॉन कैल्शियम एल्यूमिनियम। इसका उपयोग एमजी आधारित मिश्र धातु के रूप में, बुलेट के निर्माण में, इसके अतिरिक्त इग्निशन डिवाइस, लाइटर के फ्लंट और सेल्स के निर्माण के लिए ज्यादातर मिश्र धातुओं में होता है। इसके अलावा ठीक है, ये लिखा है कि लाइटर के फ्लंट चकमक फ्रिक्शन से जो चिंगारियां निकलती हैं बुलेट ठीक है बनाने में होता है। इसके अलावा नियोडाइमियम ऑक्साइड और प्रेसिडाइमियम ऑक्साइड रंगीन कांच के निर्माण में, सीरियम सल्फेट का उपयोग जो है आप देखोगी ठीक है, जो सीरियम सल्फेट है इसका उपयोग KNO4 या K2Cr2 के समान आयतनी विश्लेषण में होता है लैब में, है ना। LN2O3 का उपयोग टेलीविजन स्क्रीन में फ्लोरेसिंग सरफेस में होता है। अब आते हैं एक्टिनाइड्स के, तो सीरियम ऑक्साइड और थोरियम ऑक्साइड का उपयोग गैस मेंटल बनाने में किया जाता है। यूरेनियम 235, 239, 241 का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, नाभिकीय ठीक है ईंधन के रूप में होता है। और बहुत से एक्टिनाइड रेडियोथेरेपी में, कैंसर की रेडियोथेरेपी में यूज होते हैं, रेज का यूज किया जाता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट अंग। तो ये था कुल मिला के बच्चों हमारा एफ ब्लॉक, जिसमें लैंथेनाइड अच्छी तरह से पढ़ना है, लैंथेनाइड संकुचन और ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट में, और अब हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, तो जो अब न्यू सिलेबस के अनुसार आया है उसी तरह से हम स्टडी करेंगे, ठीक है।